बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद फालिशा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ पालक और बी की रेसिपी, जो एकदम ओरिजिनल रेसिपी है। क्योंकि पालक के साथ आपने काफी सारी चीजें खाई होंगी, जैसे कि चना दाल पालक, आलू पालक, गोश्त पालक, चिकन पालक, तो ये सारी चीजें हमने खुद क्रिएट की है। तो ओरिजिनल जो इसकी रेसिपी है वो है बी पालक की रेसिपी। सालों से देखते आ रहे हैं जो हमारे घर के बड़े थे अम्मी अब्बू या उनके अम्मी अब्बू के पेरेंट्स दादा दादी, तो शुरू से ही वो बी पालक साथ में बनाते थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी इजी रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन जायका बिल्कुल वही होगा, क्योंकि आजकल लोगों को फास्ट फूड ज्यादा पसंद है। जो फास्ट जल्दी से बन जाए वही वो बनाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो ली थी पालक, जिसे बॉइल करके मैश कर लिया है। आधा किलो बी लिए थे, जिनको मैंने प्रेशर कुकर में बॉइल किया है। आप जब भी लें तो उनको प्रेशर कुकर में ही बॉइल किया करें, क्योंकि ये जब आप इसे पॉट में बॉइल करेंगे तो ये एक तो हार्ड हो जाएंगे, ऊपर से ब्लैक हो जाएंगे और बिल्कुल नहीं गलेंगे। ये देखे अभी इतने गले हुए कुकर में, तो जब भी लें प्रेशर कुकर में इनको बॉयल कीजिएगा तो ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। क्योंकि ये भी मटन की तरह ही टाइम लेते हैं, जितना टाइम मटन लेता है उसको वही टाइम ये लेते हैं। तो आधा किलो भी लिए हैं, उसके अलावा दो मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं जिन्हें रफली से काट लिया है, एक लिया है तेज पर, एक स्टिक ली है मैंने दालचीनी की, 1 टीस्पून लिया है मैंने जीरा, एक बड़ी इलायची ली है और 5 से 6 लौंग लिए हैं, हरी मिर्ची ली है कटी हुई 3 से 4 अदद, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 कप लेंगे ऑयल का। ये सारा मेथड जो है स्पाइसेस का, ये सारा आधा किलो का मैं आपको बता रही हूँ। 1 kg में बनाएंगे तो मसालों की क्वांटिटी डबल होगी। यहाँ पर नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स ली है, कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, गर्म मसाले का पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। तो ये सारी चीजें चाहिए हमें बी पालक के लिए। और अगर आप इनको इस तरह से अलग अलग बॉयल नहीं करना चाहते तो आप इनको साथ में भी बॉयल कर सकते हैं। जैसे कि आप प्रेशर कुकर में बी को बॉयल कर रहे हैं तो साथ में पालक को काट के डाल सकते हैं, एक साथ भी ये बॉयल हो जाएंगे। और अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो इस तरह अलग अलग भी कर सकते हैं। तो अब एक खुले मुंह का पॉट ले लेंगे और उसमें डालेंगे 1/2 कप ऑयल का है, उसमें डाल देंगे ये मसाले। इनकी एक अच्छी सी खुशबू हो जाएगी, जब ये मसाले फ्राई हो जाएंगे तो ऑयल में इनकी बहुत अच्छी खुशबू हो जाएगी। लहसुन अदरक डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे पालक, क्योंकि पालक में मैश की हुई थी तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पर। अब डाल देंगे सारे स्पाइसेस और टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर जब हमारे डिजोल्व हो जाएंगे तब हम इसमें बी ऐड करेंगे, क्योंकि टमाटर को डिजोल्व होने में टाइम लगेगा। अगर बी हम इसके साथ ऐड कर देंगे तो वो टूट जाएंगे। तो इसे हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर डिजोल्व हो जाए अच्छी तरह से। तो हटाते हैं, देखते हैं। तो टमाटर यहाँ पर अच्छा डिजोल्व हो चुका है, टाइम लगा थोड़ा, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों मार्केट में शायद टमाटर थोड़े से हार्ड आ रहे हैं, वो गल नहीं रहे हैं, तो थोड़ा टमाटर हार्ड हो रहे हैं। अगर इसका पेस्ट बनाकर वो डालेंगे, पेस्ट का जो थोड़ा सा जायका होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। तो बस इस तरह से 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन ये है कि टमाटर अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाएगा। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे बी, बी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें ऑयल कम है तो आप इसे ऊपर से तड़का दे सकते हैं, राई का या जीरे का किसी का भी, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑयल इसका निकल आया है साइडों से, तो तड़के की यहाँ पर जरूरत नहीं है। सिर्फ हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि बी में अच्छी सी खुशबू हो जाए, तो सारे स्पाइसेस थे उनकी, बस 5 मिनट कवर कर देंगे, उसके बाद हमारे बी पालक बिल्कुल रेडी होंगे। तो ये देखें 5 मिनट के बाद मजेदार से हमारे बी पालक बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो इन्हें जल्दी से डिश आउट करते हैं। तो ये देखें बी पालक बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब आप इन्हें खा सकते हैं चावलों के साथ, खा सकते हैं व्हाइट चावल के साथ, खा सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ, चपाती के साथ ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो जिन्होंने अभी तक बी पालक की रेसिपी ट्राई नहीं की तो वो जल्दी से मेरे मेथड को फॉलो करें और ये रेसिपी ट्राई करें, बहुत यमी बनती है और सर्दियों में तो ये खाई भी जाती है ज्यादातर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक किया करें, शेयर किया करें अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में। और जो चैनल पर आज पहली बार आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाएं, साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलती हूँ, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।